हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट फिल्म इन द मार्केट, दैट इज कोलार गोल्ड फील्ड्स चैप्टर 2, यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 के एडवांस बुकिंग के बारे में। क्योंकि आज कौन सा दिन है, 7th of April 2022, यानी कि कल ही हम आपको बताए थे कि आज से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है। नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी में, तमिलनाडु में, केरला में, यानी तीन मेजर सेक्टर्स में आज से फाइनली केजीएफ चैप्टर 2 द मॉन्स्टर के एडवांस बुकिंग खुल गए हैं। एंड द टिकट्स आर द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी, हम आपको बताए थे, कल ही बोल रहे थे हम, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके टिकट्स इसके बुक कर लो, अदरवाइज आने वाले 2-3 हफ्ते तक टिकट बहुत मुश्किल से मिलेंगे। सो जितना जल्दी हो सके, स्पॉइलर वगैरह से भी बचना है तो जितना जल्दी हो सके टिकट्स बुक कर लो। हम थोड़ा सा अगर लेट करते ना, अभी हम जहाँ पे वहां नजारा देख लो एक बार कि किस तरह का चल रहा है सीन। मतलब एक ही में लगाया अभी, लेकिन पूरा फुल हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सा और लेट कर देते हैं तो हमको फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट नहीं मिलता, इस तरह का नौबत आ गया है। बाकी और तो थिएटर्स में लगते ही, लेकिन दिस इज द क्रेज ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 जहां पे हम हैं पटना में, नॉर्थ इंडिया में इस तरह का पागलपन आया और हर जगह यही माहौल होने वाला है। बहुत जल्दी धीरे धीरे करके हर जगह एडवांस बुकिंग ओपन हो रहे हैं। और जितने लोग पूछ रहे थे कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में कब से शुरू होंगे, तो 10 तारीख से, मार्क कर लो डेट्स, 10th of April से वहां भी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगे। और टिकट जिस तरह से बिक रहे हैं, जिस तरह का ह्यूमंगस नंबर इज ऑन कार्ड्स इन डे वन इन हिंदी सेक्टर, इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। क्योंकि देखो, इट इज द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी, टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स अभी, और जिस तरह से बिक रहा है, एडवांस बुकिंग वॉर का सबसे ज्यादा है अभी तक। और केजीएफ चैप्टर 2 का भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि 20 करोड़ तक का इसका एडवांस बुकिंग हो सकता है। अब ट्रिपल आर जो मूवी इतना झंडे गाड़े उसने, उसका जो एडवांस बुकिंग था लगभग 5.5-6 करोड़ का था पहले दिन के, जो कि कम माना जा रहा था, लेकिन फिर भी 10 करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे, और ये इससे 20 करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज तो अभी सिर्फ और सिर्फ खुला ही है, मतलब अभी भी 6 दिन का समय है एडवांस बुकिंग में, और ये किस तरह के झंडे गाड़ेगा, क्या लगता है आपको वॉर का जो रिकॉर्ड है डे वन का इन हिंदी बेल्ट, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट का बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसका जो ट्रेलर आया था उसको 51 मिलियन व्यूज मिले थे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, जो कि हिंदी ट्रेलर्स में ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया था इसने, मलयालम में भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया था। सो देखते हैं कि हिंदी किस तरह का करता है, 50 करोड़ का आंकड़ा पार होता है फर्स्ट डे की नहीं। आई मीन स्काई इज द लिमिट फॉर केजीएफ चैप्टर 2, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किस तरह का पागलपन है, किस तरह का रैम्पेज क्रिएट करेगा 14th को, नो वन कैन गेस इट राइट नाउ। जैसे जैसे दिन गुजरेगा हम लोग शायद 13th को एक अच्छा एस्टिमेट लगा पाए, लेकिन फिर भी वॉक इन ऑडियंस के शायद कितना एस्टिमेट होगा, कितना आगे पीछे जाएगा अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इतना तय है 40 करोड़ प्लस ऑन डे वन इन हिंदी इज लोडिंग डेफिनेटली, 40 करोड़ से नीचे कहीं भी नहीं जा रहा है, ऊपर ही जाएगा, 50 जाता है, कहां जाता है, 55 जाता है, भगवान ही जाने। अब देखते हैं जैसे कुछ होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपके यहाँ पे टिकट बुकिंग शुरू हुई कि नहीं, मैंने तो अपना टिकट बुक कर लिया भाई, आपका टिकट बुक हुआ है कि नहीं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर है तो कितने तारीख का, कितने बजे का, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, वरना देखते रह जाओगे और चिड़िया चुक जाएगी खेत, उसके बाद फिर आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे और कुछ कुछ, मतलब समझ लो ना यार, केजीएफ चैप्टर 2 के लिए इतना ज्यादा अवेटिंग है, लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बस इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके सेंटर में टिकट्स बुकिंग ओपन हो गए हैं केजीएफ चैप्टर 2 के, जाओ अभी तुरंत बुक करो और उसके बाद निश्चिंत बैठ जाओ और वेट करो 14th का। क्या ख्याल है इन सबके बारे में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज केजीएफ की टीम जो है वो चेन्नई में है, वहां पे उनके इवेंट हो रहे हैं, वहां पर इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं। सो बहुत जल्दी अब सुनने में आ रहा है कि तीसरा गाना भी आ रहा है, देखते हैं जैसे कुछ पता चले हम आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। और कुछ और बात करें तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।